हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, मैंने उस दिन अपने ये पौधे छांव में रख दिए थे उठाकर, तो उस दिन से देखो कितने अच्छे हो गए हैं, बिल्कुल हरे हो रहे हैं अच्छे, वरना धूप में बिल्कुल ये खराब हो गए थे। और देखिए, इस पर तो एक छोटी सी कली भी आ रही है, शायद वीडियो में तो वो दिखाई नहीं दे रही। तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं अब ये, और अब इन पे कुछ दिन में फूल भी खिल जाएंगे। और अभी उधर के दिखाती हूँ, इधर तो तीन ही रखे हुए हैं, कुछ मैंने इधर रखे हैं। ये देखिए, ये भी कितना हरा भरा हो गया है। और गेंदे का पेड़ तो बस सूखने वाला है, अब ये नहीं हो रहा, इस पे फूल भी नहीं आ रहे, ना ही कली आ रही है। तो अभी इनका टाइम भी नहीं है, इस टाइम गेंदे के पेड़ सूख ही जाते हैं। और एक ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा हो गया है। और इधर है हमारी तुलसी जी, और अब की बार तुलसी का पेड़ बहुत मुश्किल से हुआ है, कई बार सूख गया और कई बार लगाया है मैंने, और अब तो बहुत अच्छा हो रहा है। और मनी प्लांट, एक छोटी सी मनी प्लांट मैंने इधर लगाई है, देखिए ये भी कितनी अच्छी हो रही है, कितने अच्छे से ग्रो कर रही है। और कुछ पौधे मैंने पीछे गैलरी में रखे हैं, वो दिखाती हूँ मैं आपको, वो भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। देखिए वो पीछे रख दिए थे कुछ उठाकर। तो गर्मी में तो पौधों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वरना धूप में मुरझा जाते हैं। अब तक तो ये, और छांव में रख दिए हैं तो हरे भरे हो रहे हैं। टाइम तो काफ़ी हो चुका है, और अभी मुझे करनी है खाना बनाने की तैयारी। और आज खाने में मैं कुछ अलग सा बना रही हूँ, कुछ थोड़ा सा खट्टा मीठा। तो दोनों टाइम दाल और सब्जी खाकर बोर हो गए हैं, तो आज कुछ अलग सा बनाने की सोची है, कुछ खट्टी मीठी सी सब्जी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। इसे खाट पर पीछे मैं बना रही हूँ ये आंबी की सब्जी। इसमें प्याज डालकर और गुड़ डालकर खट्टी मीठी सब्जी बनाऊंगी। तो अभी इन्हें काट लेते हैं। डालनी है सरसों, मैं आंबी में सरसों इसे ही छौंक लगाती हूँ, जीरा नहीं डालती। तो यहाँ पर डाल दी है मैंने सरसों। और इसके बाद बस इसमें प्याज डाल दूंगी, प्याज इसमें थोड़ी ज्यादा डालती हूँ मैं। और इसके बाद बस प्याज को अच्छे से भून लेना है, जब प्याज अच्छे से भून जाएगी आंबी उसमें तभी डालूंगी। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब बस यहाँ पर इसमें मुझे आंबी डालनी है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें डाल देने हैं सारे सूखे मसाले। और ये कर लेना है अच्छे से मिक्स।
और थोड़ा सा डालना है इसमें पानी। और बस अब इन्हें ढककर पकने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर देखिए आंबी थोड़ी सी पक चुकी है। अब मुझे इसमें डालना है गुड़। और ये मैंने सौंफ का थोड़ा सा मोटा मोटा सा पाउडर बना लिया है, ये डाल देना है। और इसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए और ढककर रखना है। तो देखिए सब्जी बनकर हो गई है तैयार, खट्टी मीठी आंबी की सब्जी। और गांव के लोगों की फेवरेट है ये सब्जी, गर्मियों में शाम के टाइम बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ नमक की रोटी और दूध की लस्सी हो तो एक रोटी ज़्यादा खाने का मन करता है। और ये सब्जी जल्दी से ख़राब नहीं होती, सुबह में नाश्ते में भी बहुत अच्छी लगती है पराठों के साथ ये। तो आपको कैसी लगी ये सब्जी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यहाँ पर थाली तैयार हो चुकी है, नमक की रोटी, दूध की लस्सी, खीरे की सलाद और खट्टी मीठी आंबी की सब्जी। आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। और अब हम भी खाना खा लेते हैं और यहीं पर कर लेते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और जो कोई चैनल पर मेरे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।